नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। पाकिस्तान में यूं तो डमी डेमोक्रेसी यानी कि डमी लोकतंत्र है, लेकिन जब बात कानून बनाकर आवाम को प्रताड़ित करने की हो तो वहां के हुक्मरान सबसे आगे दिखाई देते हैं। अब शहबाज सरकार ने ऐसा ही एक और कदम उठाया है। यहां सेना और न्यायपालिका यानी अदालत को लेकर गलत बयानबाजी करने या मजाक बनाने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा चुकी है। पाकिस्तानी सरकार ने एक विधेयक तैयार किया है जिसमें आपराधिक कानून में बदलाव का प्रस्ताव है और यह कहा गया है कि जो कोई भी देश की शक्तिशाली सेना और न्यायपालिका का किसी भी तरह से मजाक उड़ाएगा या उसका अपमान करेगा उसे 5 साल की जेल की सजा या 10 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों ही चीजें लगाई जाएंगी। ड्राफ्ट बिल को कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा वीटो किया गया था और प्रधानमंत्री और संघीय कैबिनेट के लिए आंतरिक मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। डॉन अखबार के मुताबिक इसका मकसद पाकिस्तान दंड संहिता यानी पीपीसी और सीआरपीसी में संशोधन करना है। कैबिनेट ने प्रस्तावित विधेयक को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है। दरअसल वहां पर हाल ही में यह देखा गया कि सोशल मीडिया पाकिस्तानी सेना और अदालतों की आलोचना से भरा पड़ा है। रिपोर्ट में कहा गया कि आंतरिक मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक समरी और विधेयक जल्द ही संघीय कैबिनेट को भेज दिया जाएगा। यह आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2023 शीर्षक वाला विधेयक एक नई धारा 500A का सुझाव देता है। नए खंड का शीर्षक है जानबूझकर उपहास करना या राज्य के संस्थानों का अपमान करना आदि। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी न्यायपालिका, सशस्त्र बलों या उनके किसी भी सदस्य का उपहास या अपमान करने के इरादे से किसी भी माध्यम से कोई बयान देता है, प्रकाशित करता है, वो एक समय सीमा के लिए साधारण कारावास के साथ ही दंडनीय अपराध का दोषी भी होगा, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है या फिर उसके बदले 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है या दोनों ही चीजें हो सकती हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि अपराधी को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाएगा और यह गैर जमानती और नॉन कंपाउंडेबल होगा, जिसे केवल सत्र अदालत में ही चुनौती दी जा सकती है। कैबिनेट समरी में यह भी कहा गया है कि हाल ही में देश ने न्यायपालिका और सशस्त्र बलों समेत राज्य के कुछ संस्थानों पर निंदनीय, अपमानजनक और विभत्स हमले देखे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये सबको मालूम है कि महत्वपूर्ण राज्य संस्थानों और उनके अधिकारियों के खिलाफ नफरत फैलाने के मकसद से कुछ लोगों ने जानबूझकर एक साइबर अभियान शुरू किया। इसमें यह भी कहा गया है कि इस तरह के हमले देश के राज्य संस्थानों की अखंडता, स्थिरता और स्वतंत्रता को कम करने पर केंद्रित होते हैं। इसमें कहा गया है कि न्यायिक और सेना के अधिकारियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर निंदनीय, अपमानजनक टिप्पणियों को रोकने और नकारने का अवसर ही नहीं होता है। नियोजित कानून पर टिप्पणी के लिए संपर्क किए जाने पर पीएमएलएन के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकन अब्बासी ने डॉन को बताया था कि उन्होंने मसौदा नहीं देखा है, लेकिन किसी को बदनाम करने की कुछ सीमा जरूर होनी चाहिए। पाकिस्तान में हमने अक्सर देखा है कि ईश निंदा कानून का जमकर दुरुपयोग होता है। ऐसे में इस नए बने कानून का दुरुपयोग होने की भी पूरी संभावना जताई जा रही है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। पाकिस्तान में सेना और न्यायपालिका के अपमान पर जो 5 साल की सजा और 10 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया है, उस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।